रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, क्षेत्रीय उड़ान योजना, जो उड़ान के नाम से ज्यादा फेमस है, जिसका स्लोगन है उड़े देश का आम नागरिक। जी हाँ, यही वो टॉपिक है जिस पर आज का ये वीडियो बेस्ड है। ये योजना काफी दिनों से कार्यान्वित हो रही है, इसलिए काफी सारे लोग इससे अपडेटेड होंगे, इसके बारे में जानकारी रखते होंगे। लेकिन उनके लिए इस योजना से जुड़े हुए काफी अपडेट्स हैं जो इस वीडियो में मैं देना चाहता हूं। और ऐसे लोग जो इस योजना के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये योजना क्यों लाई गई, इसका उद्देश्य क्या है, ये योजना कौन लागू किया, कब लागू हुआ और कितने दिनों तक के लिए लागू किया गया है, इस योजना से भारतीय एविएशन इंडस्ट्री और भारत के आम लोगों को क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा हुआ है और आने वाले समय में क्या बेनिफिट होने जा रहा है। दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुसार वो दिन दूर नहीं जब भारत में रेल यातायात सड़क परिवहन के साथ साथ नागरिक उड्डयन भी भारत में परिवहन का आधार बन जाएगा। हवाई सेवा के माध्यम से छोटे और मध्यम शहरों को बड़े शहरों से जोड़ने के लिए या देश में अवशेषित बड़े एयरपोर्ट या जो एयरपोर्ट ज्यादा संचालित नहीं हो रहे हैं, जिन पर ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, उनको संचालित करने के लिए, बड़े एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए उड़ान स्कीम का शुभारंभ 21 अक्टूबर 2016 को किया गया था। दोस्तों, 2014 में कुल संचालित एयरपोर्ट की संख्या भारत में 74 थी, 74 थी, जो कि अब बढ़कर 141 हो गए हैं। योजना के तहत 58 हवाई अड्डों, 8 हेलीपोर्ट्स और 2 वाटर एरोड्रम सहित 68 अंडरसर्व्ड या अंडरसर्व गंतव्यों को जोड़ा गया है। दोस्तों, इस महत्वाकांक्षी योजना ने 425 नए मार्गों की शुरुआत के साथ साथ 29 से भी ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को एयर कनेक्टिविटी प्रदान की है। 4 अगस्त 2022 तक उड़ान योजना ने, इस योजना ने 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को लाभ दे दिया था, यानी 1 करोड़ से ज्यादा यात्री इससे लाभान्वित हो चुके थे। और सरकार अगले 4 सालों में भारत में नागरिक उड्डयन के माध्यम से 40 करोड़ यात्रियों की उम्मीद कर रही है कि 40 करोड़ यात्री इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस योजना के तहत साल 2026 तक 220 गंतव्यों, हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रम के साथ देश में अनकनेक्टेड गंतव्यों, इनके लिए हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए 1000 मार्गों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उड़ान के तहत 156 हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए 954 मार्ग पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय उड़ान योजना की सफलता उड़े देश का आम नागरिक के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन है। भारत सरकार ने योजना में योगदान के मद्देनजर 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस घोषित किया है। इसी दिन इस योजना से संबंधित दस्तावेज पहली बार जारी किए गए थे। 200 अक्टूबर उड़ान दिवस से पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत उत्तर पूर्वी भारत की हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार करते हुए 6 मार्गों को हरी झंडी दिखाई। दोस्तों, आरसीएस उड़ान योजना का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय विमानन बाजार का विकास करना, छोटे शहरों में भी आम आदमी को क्षेत्रीय मार्गों पर किफायती और लाभदायक हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करना। इस योजना के तहत केंद्र, राज्य सरकारों और हवाई अड्डा संचालकों की ओर से चयनित एयरलाइंस को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, ताकि अवशेषित तथा कम सेवा वाले हवाई अड्डों से संचालन को प्रोत्साहित किया जा सके एवं हवाई किराए को किफायती रखा जा सके, जिसे आम आदमी के पहुंच में हो। दोस्तों, आरसीएस उड़ान योजना की उपलब्धियां इस बात से स्पष्ट होती हैं कि अब तक 387 मार्गों और 60 हवाई अड्डों का संचालन किया जा चुका है इस योजना के तहत, जिनमें 100 मार्ग अकेले उत्तर पूर्व के हैं। इस योजना के तहत कृषि उड़ान योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र के निर्यात अवसर को बढ़ाने के लिए 16 हवाई अड्डों की पहचान की गई है, जिसमें माल ढुलाई और निर्यात में वृद्धि जैसे दोहरे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। आरसीएस उड़ान योजना का पहला चरण उड़ान 1.0। दोस्तों, इस चरण के तहत 5 एयरलाइंस कंपनियों को 70 हवाई अड्डों के लिए 128 मार्ग प्रदान किए गए। उड़ान 2.0 के तहत वर्ष 2018 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 73 ऐसे हवाई अड्डों की घोषणा की जहां कोई सेवा प्रदान नहीं की गई थी या उनके द्वारा की गई सेवा बहुत कम थी। उड़ान योजना के दूसरे चरण के तहत पहली बार हेलीपैड भी इस योजना से जोड़े गए। दोस्तों, आरसीएस उड़ान योजना 3.0 के तहत पर्यटन मंत्रालय के समन्वय में उड़ान 3.0 के तहत पर्यटन मार्गों का समावेश किया गया। जलीय हवाई अड्डों के जोड़ने के लिए जल विमान का समावेश हुआ,
उत्तर पूर्वी में कई मार्गों को उड़ान के दायरे में लाया गया। आरसीएस उड़ान 4.0 में वर्ष 2020 में उड़ान देश के दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के चौथे संस्करण के तहत 78 नए मार्गों के लिए मंजूरी दी गई थी। लक्षद्वीप के मिनिकाय, कवरती और अगरती द्वीपों को उड़ान 4.0 के तहत नए मार्गों से जोड़ने की योजना बनाई गई है। दोस्तों, उड़ान 4.1 के तहत मुख्यतया छोटे शहरों, छोटे हवाई अड्डों, विशेष तौर पर हेलीकॉप्टर और सी प्लेन मार्गों को जोड़ने पर केंद्रित है। दोस्तों, आरसीएस उड़ान योजना को पूरे देश में सफल रूप से लागू करने के लिए कुछ बुनियादी ढांचों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एयरलाइंसों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो मार्केटिंग के तहत आरसीएस उड़ान योजना को आम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा आम लोग इस योजना का लाभ उठा सके। दोस्तों, ऐसा करता हूं, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में दिए गए कुछ तथ्य आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होंगे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं और उत्साहवर्धन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।